दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम न्यूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश। आज मैं तीन खबरों पर चर्चा करूंगा दोस्तों। पहली खबर है भूख के सूचकांक को लेकर बवाल। अब ये भूख का सूचकांक क्या है पहले तो मैं बता दूं। जिस तरह प्रेस फ्रीडम का सूचकांक एक होता है ग्लोबल जो इंडेक्स होता है, जिस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जिस तरह डेमोक्रेसी इंडेक्स होता है, वैसे ही दुनिया के पैमाने पर भूख का भी इंडेक्स है, यानी हंगर इंडेक्स। इसका मतलब है कि वे देश जहां पर ज्यादा लोग भूख के शिकार हैं, भुखमरी के शिकार हैं या कुपोषण के शिकार हैं, कमजोर लोग हो रहे हैं, उनको जितना खाद्य मिलना चाहिए, जितना पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, जितनी लोगों को जरूरत है उससे बहुत कम जहां मिल रहा है। कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि भूख का सूचकांक क्या भारत या किसी और देश के बारे में जब ये आंकड़ा आता है तो लोग समझते हैं कि जो बिल्कुल भूखा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। भूख की एक परिभाषा बनाई गई है और खाद्य पदार्थ और अन्य जो चीजें शरीर को जरूरी हैं उनमें कितना किसको मिल रहा है, इस पैमाने पर एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण या अध्ययन किया जाता है। जैसे कमजोर जो बच्चे पैदा होते हैं या जो पैदाइश के बाद जो बहुत कमजोर रहते हैं काफी समय तक, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, इनकी तमाम जो चीजें हैं ना उनका एक आकलन किया जाता है। तो ऐसे में तैयार होता है भूख का, हंगर का वैश्विक इंडेक्स। दुनिया में अगर देखा जाए तो हमारा जो दक्षिण एशिया है और जो दक्षिण अफ्रीका है, ये दोनों जो रीजन है दुनिया में भूख के सबसे बड़े अड्डे हैं। अड्डे का मतलब ये कि यहां पर भूखे लोगों की संख्या, बेहद कुपोषणग्रस्त लोगों की संख्या, बेहद कमजोर किस्म के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब भारत तो महाशक्ति बनने की दौड़ में शामिल है, हम अपने आप को विश्वगुरु होने का दावा कर रहे हैं। G20 की हमने अभी सदारत की थी और अभी भी हमारा ख्याल है कि हम बहुत जल्दी ही विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अभी हम अपने को पांचवी अर्थव्यवस्था मानते हैं, लेकिन इस बार जो दोस्तों ग्लोबल इंडेक्स आया है 2023 का, वो 2022 से भी भारत के लिए ज्यादा निराशाजनक है। 2022 में हम 107वें पोजीशन में थे 122 देशों में, 122 देशों में 107वें पोजीशन पर थे, लेकिन इस बार 125 जो भूखग्रस्त देश हैं दुनिया के उसमें हम 111वें स्थान पर आ गए हैं, 111वें स्थान पर, यानी और हम नीचे गए हैं। और स्थिति यह हो गई है हमारे लिए बड़ी अजीब कि बांग्लादेश 81वें स्थान पर है, पाकिस्तान 102वें स्थान पर है, नेपाल 69वें स्थान पर है और श्रीलंका 60वें स्थान पर है। सबसे अधिक जो हंगर अफेक्टेड देश हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पहले आपको कि दक्षिण एशिया और दक्षिण अफ्रीका में हैं, तो उन देशों से भारत की तुलना की जाने लगी है जो अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी इलाके में बसते हैं। तो ये भारत के लिए थोड़ा नहीं बल्कि ज्यादा ही एक बहुत ही अपमानजनक है। इसीलिए हमारे देश की जो सरकार है, जो उसका संबद्ध मंत्रालय है, उसने प्रोटेस्ट किया है। उसने कहा है कि ये आंकड़े गलत हैं, ये जो सर्वे और या ये जो सर्वेक्षण किया गया है, ये रिसर्च जो की गई है, वो उसका जो सैंपल लिया गया है वो सैंपल नाकाफी है। 3000 के आसपास लोगों का सैंपल लिया गया है, ये वैज्ञानिकता इसमें नहीं है, इस तरह की बात सरकार ने कही है। लेकिन जो रिसर्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर आयरलैंड और जर्मनी वगैरह में, उनका ये कहना है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार होता है ये बहुत ही ठोस आधारों पर होता है, बहुत ही इसका वैज्ञानिक आधार है, इसमें फॉल्ट की गुंजाइश बहुत कम परसेंट होती है, इसलिए इसको झुठलाना या इसको रिजेक्ट करना वो ठीक नहीं है, बल्कि इससे होगा ये कि आपके देश में, आपके समाज में जो कमियां हैं उसको दूर करने में आप जो हैं विफल होंगे, इसलिए इसको एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी कमी के तौर पे और उसके मुतल्लिक योजनाओं का एक पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे हम इंडेक्स में अपना स्थान ज़्यादा ऊपर कर सकें। अब दोस्तों आपको मैं बताऊं कुछ जो बात कही गई है इस इंडेक्स में, उसमें कहा गया है कि भारत में बच्चों में कुपोषण सर्वाधिक है, और ये जो वीकनेस
उन्होंने शब्द यूज किया है कि जो वीकनेस है जिसकी वजह से कुपोषण बढ़ता है वो जो है 18.7% है इंडिया में, 18.7%। अब ये इसका इस आंकड़े के बारे में बहुत व्याख्या की गई है, लेकिन हम न्यूज मंथन में उस पर विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास और भी प्रमुख खबरें हैं। तो आपको हम ये बता दें कि ये जो इंडेक्स है इसमें जो भारत की स्थिति दर्शाई गई है वो वाकई विकासशील देशों में हमें ऊपर नहीं रखती है, बल्कि हमको अल्पविकसित देशों की तरह, पिछड़े देशों की तरह हमको शुमार करती है, और ये निश्चित रूप से देश के लिए अच्छा नहीं है। अब देखिए कैसे मुल्क में जो पांचवीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की, तीसरी बनने की कोशिश कर रहा है, और वहां पर भारत में देखिए एक दूसरा जो पहलू है उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि भारत में 1% लोग ऐसे हैं जो यहां देश की 40% संपदा के मालिक हैं, यानी 40% जो संपदा अपने देश की है उसका मालिकाना हक सिर्फ 1% लोगों के पास है, 1%, और लगभग 50% आबादी के पास 3% संपदा है देश की, यानी 3% जो एसेट्स हैं हमारे देश के वो 50% लोगों के बीच हैं, यानी इतने लोगों के बीच विभाजित है, और 1% लोगों के पास 40%। तो ये इस देश में दरअसल देश के पास संपदा की कमी नहीं है, एसेट्स की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, खाद्यान्न की कमी नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हिस्सेदारी लोगों की है, असल समस्या वहां है। मिलियनायर, बिलियनायर, ट्रिलियनायर, न जाने कौन कौन सी श्रेणियां अमीरों की पैदा हो रही हैं, लेकिन उस देश में हंगर इंडेक्स में अगर भारत इतना पीछे है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से और श्रीलंका तमाम इन मुल्कों से नीचे है, तो ये ताजुब करने की बात है और हमारे लिए बेहद अफसोसनाक भी है। तो आज ही हमारी पहली खबर थी दोस्तों, और हमारी दूसरी जो खबर है, हम फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो युद्ध का मसला है उस पर बात ज़्यादा नहीं करेंगे, हमारी वो विशेषज्ञता उस पर नहीं है, और बहुत सारे भारत के टीवीपुरम के लोग तो जिस दिन युद्ध का ऐलान हुआ उसी दिन चले गए और अब वहाँ पर सायरन की आवाज़ सुन रहे हैं और उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है, और विदेशी अखबारों और विदेशी मीडिया में जिनके पत्रकार, जिनकी जो संपादकीय कार्यकुशलता है, न्यूज रूम की जो दक्षता है वो निस्संदेह हमसे बेहतर है, उन मुल्कों में जो अभी तक जो खबरें आई हैं उसके मुतल्लिक इतने ही कम दिनों में 11 पत्रकार मारे गए हैं। तो हम चूंकि मीडिया पर बात कर रहे हैं न्यूज मंथन में और तमाम खबरों पर बात कर रहे हैं, इसलिए हमें आपको बताना बहुत जरूरी है कि 11 लोगों के मारे जाने की बात आ रही है सामने, जिसमें एक पत्रकार तो अभी हाल में जो राइटर्स के हैं और जो वीडियोग्राफी कर रहे थे और वो लेबनान साइड से और वो मारे गए। उनका जो नाम है मैं आपको बताता हूं, उनका नाम है इसाम अब्दुल्ला, ये लेबनान के आसपास की किसी खास इलाके में रिपोर्ट कर रहे थे और जहां पर ये मारे गए राइटर्स के ये पत्रकार थे। तो इस तरह से जो पत्रकारों की शहादत इस युद्ध में है वो बढ़ रही है और ये हमारे सब के लिए चिंताजनक है। ये युद्ध किसी तरह रुकना चाहिए क्योंकि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। हमास के आतंकी गतिविधियों, हमास के जो आतंकी आक्रमण था उसको पूरी तरह मनुष्यता खारिज करे, पूरी तरह विश्व बिरादरी खारिज करे, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों पर जिस तरह का, गाजा पट के लोगों पर जिस तरह से इजरायली हमला हो रहा है उस पर भी चिंता जाहिर करने की जरूरत है, और अगर ये चिंता सामूहिक चिंता में नहीं तब्दील हुई तो हम उसे रोकने में कामयाब नहीं होंगे और मनुष्यता का ये संहार होगा दोस्तों। इसलिए युद्ध हर हालत में रुकना चाहिए। अच्छी बात है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इस बारे में चिंता जताई है, हालांकि काफ़ी उन्होंने विलंब से जताई है। इस बीच में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है कि गाजा में हर व्यक्ति हमास नहीं है और न हमास से इन्फ्लुएंस्ड है, आम लोग भी हैं, और उन पर दमन जो इजराइल कर रहा है, जो क्रूरता बरत रहा है वो बिल्कुल मनुष्यता विरोधी है। हालांकि पुतिन के बारे में स्वयं यूक्रेन में यही कहा जा रहा है। इसलिए अजीब विरोधाभासों और अंतर्विरोधों की ये दुनिया बनती जा रही है दोस्तों। तो इस हमास को खारिज करना ज़रूरी है, लेकिन इजराइल के जो हमलावर जो उसका रुख है उसको भी खारिज करने की आवश्यकता है, कम से कम आवाम के स्तर पर। तो दोस्तों आज इस मुद्दे पर इतना ही, और तीसरी जो हमारी जो खबर है आज की वो है ट्रेन दुर्घटना की। ये बिहार के बक्सर जिले में रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई और
बहुत चिंताजनक बात यह है कि 2023 में अब तक जो है जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनकी संख्या बहुत भयानक होती जा रही है। 2022 और 23 में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 48 दुर्घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, और ये उल्लेखनीय दुर्घटनाएं छोटी मोटी नहीं है। और अभी हमने देखा कि 2 जून 2023 को बालासोर ओडिशा में एक बहुत भयावह दुर्घटना हुई जिसमें 296 संख्या बताई गई मृतकों की। हो सकता है संख्या बड़ी भी हो, मैं जब आपको आपके सामने ये बात रख रहा हूँ तो हमने देखा कि बहुत सारे उस समय जो अस्वस्थ लोग थे जो अस्पतालों में भर्ती थे उनके बारे में आंकड़े जो हैं ठीक से नहीं आए। तो कुल मिलाकर मृतकों की संख्या के बारे में मैं पुराने आंकड़े ही आपके सामने रख रहा हूँ, 296 का जो सरकार ने कहा था। लेकिन उसके बाद लगातार छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रही हैं। लेकिन रघुनाथपुर की दुर्घटना का जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि ओडिशा में जब दुर्घटना हुई तो कहा गया कि षड्यंत्र है, ये भी कहा गया कि इसमें कोई आतंकवादी गतिविधि तो नहीं है, इसकी पड़ताल की जाए। सीबीआई को भी हवाला कर दिया गया, पता नहीं रिपोर्ट में जो भी होगा उसका विशेषज्ञ छानबीन कर रहे होंगे। लेकिन इस दुर्घटना के बारे में मैं आपको बताऊं, स्वयं रेलवे के जो अधिकारी हैं उनको भी अखबारों में कोट किया गया है, आम लोगों को भी कोट किया गया है जो बगल से गुजर रहे थे। पता ये चला कि उस पटरी पर काम किया गया था, रेल की पटरी, रेल के ट्रैक पर, और काम जो किया गया था सरकारी एजेंसियों द्वारा या प्राइवेट को दिया गया होगा, पता नहीं क्या था, कौन लोग एजेंसी के थे जिन्होंने काम किया था, लेकिन रेलवे के तहत ये सब हुआ था। और पटरी में कहीं ना कहीं कोई क्रैक था, कहीं ना कहीं कोई ऐसी उसमें फॉल्ट थी जिसकी वजह से चिंगारी तक उठ रही थी और वहां पर साफ साफ दरार देखी गई थी। इसीलिए इसको पहले ही अलर्ट किया जाना चाहिए था ट्रेन के आने से पहले, लेकिन जब ट्रेन आई तो चिंगारी इतनी तेज हो गई थी, इतनी आवाज आ रही थी, धुआं उठ रहा था कि अचानक सारे के सारे जो 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 कई जो कोच थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए और इस तरह से 4 लोगों की मौत हुई है और 4 लोगों की मौत के अलावा 70 से अधिक लोग घायल हैं। तो ये जो ट्रेन दुर्घटना का मसला है ये कोई छोटा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि एक ट्रेन में सैकड़ों लोग यात्रा करते हैं और अगर इस तरह के एक्सीडेंट्स को हम बचाते नहीं हैं, इस तरह के एक्सीडेंट्स को हम अगर हम निर्मूल नहीं करते, एक्सीडेंट फ्री नहीं करते रेलवे ट्रैक को, तो हम चाहे जितनी अच्छी अच्छी ट्रेनें चलाते रहें, वंदे भारत चलाएं, शताब्दी चलाएं, उससे भी अच्छी ट्रेन चलाएं, लेकिन सुरक्षित अगर रेल यात्रा नहीं होगी तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। एक विशाल देश है और इस विशाल देश की बहुत बड़ी आबादी रेल से यात्रा करती है। हमारे यहाँ आमतौर पर अभी भी रेल से यात्रा करने वालों की तादाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सबसे अधिक है, बल्कि प्राइवेट में भी अगर देखा जाए तो उसकी 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 हिस्सेदारी अगर सब मिलाकर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आज ये 3 खबरों पर हमने मंथन किया, आपको कैसा लगा कार्यक्रम जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।